गो अभ्यारण एवं भिंड टावा सिक्स लेन बनाने की मांग को लेकर संत समाज उतरा सड़कों पर। जय श्री राम की धुन के साथ बड़े हनुमान जी से संत समाज पहुंचे कलेक्ट्रेट। संत समाज ने कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। जी हां, भिंड टावा ग्वालियर हाईवे पर आए दिन गोवंश के साथ राहगीरों की मौतें होती है, जिसको सिक्स लेन की कवायद हर बार आम जनमानस के साथ समाज सेवियों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय सांसद व विधायक मंत्रियों यहां तक कि मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत कराया, लेकिन हर बार बस आश्वासन के छलावा मिलता रहा, जिसकी वजह से इस मार्ग पर कई युवा असमय काल कल्पित हो गए। कई डॉक्टर तो कई समाज सेवी कई लोग असमय काल कल्पित हो गए। कई घरों के चिराग समय रहते उजड़ गए। ऐसा नहीं कि इस मार्ग पर हर रोज मौत ना होती हो, यहां तक कि इस हाईवे को मौत का हाईवे का नाम दिया गया, परंतु सरकार में बैठे किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों तक रूह नहीं कांपी। किसी ने इस हाईवे को लेकर कभी कोई गंभीर नहीं दिखाई दिया। हर बार अब लोग बात करिएगा विधानसभा की, जब ग्वालियर में नितिन गडकरी जी ने और वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा था एक सभा में कि भिंड ग्वालियर इटावा हाईवे को फोर लेन या सिक्स लेन की डीपीआर जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और इस मार्ग का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक एक माह से इस हाईवे को सिक्स लेन व गो अभ्यारण को लेकर भिंड का जनमानस गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहा था कि इस बार इस हाईवे को सिक्स लेन बनाने का आश्वासन नहीं बस लिखित में चाहिए। इसको लेकर इस बार संत समाज को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रमुख संतों के अलावा संत समाज ने कहा कि इस हाईवे को सिक्स लेन के लिए गाय माता की रक्षा के लिए हम सब आगे रहकर काम करेंगे। और निर्णय हुआ कि 25 सितंबर को बाबा बड़े हनुमान जी अटे रोड मंदिर पर दंदरगुआ महाराज, रामदास जी महाराज, चिलोंगा महाराज, भूमिया सरकार के महान हरिओमदास जी, चामुंडा महाराज, ताल वाले हनुमान जी, प्रदमन महाराज, कालिदास महाराज, राघवपुरी महाराज ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन के साथ सरकार को घेरा और कहा कि अभी भी 5 दिवस का समय है, समय रहते डीपीआर बनाकर 30 तारीख तक हमें लिखित में जानकारी दे दो कि भिंड इटावा ग्वालियर हाईवे पर निर्माण कार्य फलानी तारीख से शुरू हो जाएगा। हमें आश्वासन के भरोसे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे इस बार। उसी तारतम्य में आज तारीख 30 सितंबर के अनुसार सुबह 11 बजे से ही बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर पर शहर के लोगों का आना शुरू हो गया था और ठीक 12 बजे के लगभग 1000 से अधिक लोग बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर पर एकत्रित हो गए। तभी एक भगवत कथा की कलश यात्रा में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे दंदरगुआ महाराज की अनुपस्थिति में सभी संतों ने अगुवाई करते हुए बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर से मार्च शुरू करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, तो उनके साथ शहर का प्रबुद्ध जन व गांव से आए लोग जय श्री राम की धुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और बस एक ही नारा दिया कि इस बार भिंड ग्वालियर हाईवे आश्वासन नहीं लिखित में आश्वासन चाहिए। और इस मार्च में भारी पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ चला। जैसे ही मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा तो वहां पहले से टेंट लगाकर अनशन पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। तभी जिले के सभी संत समाज का मेला मंच पर बैठ गया और राम धुन के साथ जिला प्रशासन को मंच पर बुलाने के लिए आमंत्रित करने लगे। तभी इसी बीच जैसे ही दंदरगुआ महाराज उनके बीच पहुंचे तो सभी साधु संतों ने ऊर्जा का अपार संचार हो गया। उसके बाद दंदरगुआ महाराज ने गो माता की रक्षा के लिए गांव-गांव खोली गई गौशालाओं को सही से संचालन करने की मांग की। उनके लिए आने वाला बजट कागजों में निकला जा रहा है, गो माताओं को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, जो कि आए दिन भिंड ग्वालियर हाईवे पर ट्रक बस वाले कुचल रहे हैं। गाय हमारी माता है, उनकी दुर्दशा होगी तो हमारा जीना बेकार है, हम अब आश्वासन नहीं लिखित में चाहिए। तभी राम धुन के साथ दंदरगुआ महाराज के गीतों का गायन शुरू हो गया, जिसमें हड़ताल पर शामिल लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दंदरगुआ महाराज ने हनुमान चालीसा का हर एक शब्द का बखान किया, जिसमें उन्होंने कहा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी कर नहीं सकते, सिक्स लेन क्या जो चाहेंगे वह होगा, बस मांग कर देखो। आज से ही हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संत समाज सड़कों पर उतरा है पहली बार भिंड में। जैसे ही इसका जिक्र किया तो जय श्री राम के नारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। तभी ज्ञापन के लिए प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आए, लेकिन मौजूद लोगों ने संतों से कहा कि महाराज कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को ज्ञापन के लिए बुलाया जाए। तभी एसडीएम ने कलेक्टर संजय श्रीवास्तव
से कहा, सर आपका ही बुलावा हो रहा है। तभी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव मौके पर आ गए ज्ञापन लेने के लिए। तभी उन्होंने ज्ञापन लेते हुए कहा कि महाराज डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, काम शुरू होने वाला है, आप निश्चित रहिए काम होकर ही रहेगा, भिंड इटावा ग्वालियर हाईवे का निर्माण कार्य समय रहते शुरू हो जाएगा। इस बात की आवाज सुनते ही सभी लोगों ने जय श्री राम के साथ संतों की भव्य विदाई की और सभी संतों ने कहा कि जल्द काम निर्माण शुरू नहीं होता है तो पुनः एक बार फिर संत समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। कोई एक का काम नहीं, सभी की सुविधा मिलेगी, जान की सुरक्षा होगी, नौजवानों की सुरक्षा होगी, सिर्फ लाइन जो है परमार्थ का हम सभी जनता नाम की तरफ से, सभी गुरु भक्तों की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से हम ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें। तो हम जिलाधीश महोदय का भी सम्मान करते हैं क्योंकि वास्तव में ही मेरे शरण है, हमारे और सभी संत समाज सब हमारे संत लोग जुड़े हैं इस कारण से, तो वास्तव में ही ये बड़ी दुख की बात है गायों के विषय में और नौजवानों के। वैसे हम गाय जो रखने वाले गौ भक्तों से ही प्रार्थना करते हैं, वो भी अपनी गाय की सुरक्षा, जो लोग दूध दुहने के बाद छोड़ देते हैं रोड़ों पे चली जाती हैं, यही सुरक्षा अपनी करते हैं। दूसरी बात यह है नौजवानों से ही प्रार्थना करते हैं कि जो उसमें होशमत खो सावधानी से चलो, फिर भी हम किसी से विरोध नहीं कर रहे हैं, खाली अपनी मांग कर रहे हैं, विरोध की अस्त नहीं है। हमारे सभी अधिकारी भी सम्मानीय हैं, इन्होंने तपस्या करके अधिकारी बने हैं, कि विद्या पढ़ना एक तपस्या है, तपस्या अधिकारी बने हैं, बड़े बड़े जिलाधीश बने हैं, तो वास्ते इनका सम्मान करते हैं। और विशेष रूप से संत लोग वृक्षा फल न आपको नदी नाचवे नींद, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ये परमात्मा के शरीर धरा धारण किया है, तो वास्तव में भगवान राघवेंद्र बोले धनरहुआ सरकार की, धनरहुआ सरकार की। डीपीआर पर काम शुरू हो गया है, वो एसडीओ साहब का है, कहाँ है एसडीओ साहब? एसडीओ साहब नहीं नहीं एसडीओ, आप थोड़ा साइड साइड हो जाइए, आ जाओ आगे आ जाओ। सर ये जी वावे की जय, सरकार की जय।
ऑर्डर मिला है उसको आगे उपलब्ध करा दो। हमारे जिलाधीश महोदय ने बोला है कि जितना समय आगे बढ़ने में लगेगा उतना ही समय लगेगा, काम चालू हो गया। तो अभी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी हल्ला हो नहीं करेगा। ये हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। सरकारी खबर पे मत ये साधु संतों की बात है। अब मैं इसमें कुछ नहीं लेना, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर आएंगे। दूसरों के लिए फलते नदियाँ अपनी नहीं बह रही है, दूसरों के लिए बह रही है। ऐसे ही संत लोग परमात्मा देते हैं तो हम लोगों का काम है ये। जब आपत्ति आई है राष्ट्र पे देश पे तो संतों ने रक्षा की। हमारे विश्वांतर जी आतंक बढ़ गया था तो हमारे विश्वास ने रक्षा की है। तो वास्तव में गो रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया। विप्रधान असुर संत हित, पहले विप्र प्रधानी माने गाय और फिर स्वर फिर संत अवतार धारण किया है। अपन वो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं तो अपन को भी सोच जरूरी है विशेष रूप से गाय की सुरक्षित रक्षा करें और प्रशासन से भी हम विशेष अनुरोध करते हैं, विरोध नहीं करते अनुरोध कर रहे हैं और सम्मान करते हुए कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाए। वैसे हम लोगों ने फिर उसने कहा था अरेंडा दंड माना दंडा दंड रचिता देवता मनुष्य रखवाली दंडा लेके नहीं करते, बुद्धि बैठ करते कहीं बल्ब चलता है कहीं खटका दबा जाता है। ऐसे ही अपन लोग भगवान के भजन करेंगे, यहाँ संत लोग बैठेंगे भक्त लोग बैठेंगे तो भजन के लिए बैठेंगे, तो प्रार्थना भगवान से ही करेंगे भगवान हमारी टीम सुनो। और ये वास्तव में पर्व का काम है सिकलिन बनना, ये परमात्मा का काम है। हमारे दसरुए धाम पे बड़ी भीड़ होती है, हम ये विशेष आग्रह करते हैं कि यहाँ विशेष रूप जरूरी है सिकला और फिर वहाँ से निगाम से सीधी मौत तक ये फोरलान बहुत जरूरी है। ग्वालियर से दंडवा तक फोर लान बहुत जरूरी है, बहुत लोग भीड़ होती है। इसलिए हम ये आग्रह कर रहे हैं विशेष रूप से अनुरोध कर रहे हैं कि ये हमारी सुनवाई निश्चित की जाए। सभी की पुकार है और सभी लोग तन से मन से धन से सही पुकार करेंगे तो वास्तव में ही भगवान हनुमान जी सुनेंगे। परमात्मा का हम सभी जनता जन की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से हम ये आग्रह करते हैं अनुरोध करते हैं कि इसे विशेष ध्यान दें। तो हम जिलाधीश महोदय का भी सम्मान करते हैं क्योंकि तो वास्तव में ही बड़े सरल हैं, हमारे जिलाधीश इतना सुंदर सुझाव देते हैं तो उनके लिए हम आशीर्वाद से देते हैं तो सही प्रसाद कार्य को आशीर्वाद देते हैं। तो ये इतना वास्तव में ही जो है ये कार बहुत जरूरी है क्योंकि दिन दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, दिन दिन वाहन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अकाल मृत्यु होने से कई लोग काल के आश्रम पहुंच गए, ये विशेष सोचनीय बात है। पूरा 100 वर्ष के लिए जन्म मिला है, अकाल खत्म हो जाता है, कई कई जन्मों तक नरक में निवास करना पड़ता है। इसके लिए सुरक्षा के लिए और गौ सुरक्षा के लिए इनके लिए विशेष रूप से मांग कर रहे हैं, सभी संतान लेकर के सही हमारे को भक्त मिल करके विशेष अनुरोध कर रहे हैं, इसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। कब तक चलेगा दंड महाराज? सभी समाज से भी समय लगे हुए इस कार्यक्रम में आज बड़ा सुंदर भव्य आचरण निकाली है, ये धन्यवाद आशीर्वाद बहुत। महाराज जी कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन, कब तक चलेगा?